सोच ले अब तोड़ना है, तू सोच पहाड़ से बिड़ना है। तू सोच ले अब तोड़ना है, तू सोच पहाड़ से बिड़ना है। तू सोच के अंबर नापेंगे, तू सोच के गिर के उठना है। तू सोच, 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 तू सोच। जैसा सोचेगा हम वैसा मंजर कर देंगे। ओ ओ ओ ओ ओ तू जैसा जैसा सोचेगा हम वैसा मंजर कर देंगे। I'm Gargi Rawat and I have a very accomplished co-anchor here with me today, Syomdev Mukherjee, who likes to go by Den. But Den, before we get started, I'd like to talk to these young men who sang so well just now. That was an amazing performance. It was very rousing, the anthem of Samarth by Hyundai. And if that very distinctive style hadn't already given it away, the lyricist for this anthem was Varun Grover, of course. And it has been composed by none other than Indian Ocean, one of my very favorite bands. बात करना चाहेंगे इस एंथम के बारे में। आयुष, आपको ये गाना गाके कैसा लगा? इस गाने को गाकर बहुत अच्छा लगा। एक जोश सा भर देता है ये शरीर में और ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। और आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? मैम, मैं तो अपने मूड के ऊपर है हूँ कि जब जैसा म्यूजिक, मतलब जैसा मूड हो वैसा म्यूजिक सुनता हूँ। बाकी सैड सॉन्ग्स बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा, और आप में से और भी कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? इसका क्या महत्व है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंस है? म्यूजिक हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप सभी को मालूम होगा। जैसे कि आप वर्क करते हैं कहीं, तो आप वर्क करते करते थोड़ा बहुत चिल करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। कभी आप
मतलब कोई भी डिप्रेशन में हो तो उससे लड़ने के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं। वोकल ही नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियंस होते हैं, वो भी अपनी आत्मा, अपनी अपनी पूरे जीवन का संघर्ष जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डालते हैं, और उसकी अपनी जो फीलिंग होती है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तराश के आप सबको दिखाते हैं। तो कृपया वोकलिस्ट को ही नहीं, जो इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट है, जो डायरेक्टर है, उसको भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। जी बिल्कुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? थोड़ा और बताइए, आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर गाते हैं साथ में? हर मतलब सॉन्ग को प्रैक्टिस पूरा करके उसके बाद उसके लिए मतलब उसको प्रिपेयर करने के लिए पूरा टाइम देते हैं, अच्छे से जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाता, और पूरी उस पर मेहनत करते हैं। इस सॉन्ग को पूरा ठीक से गाने में आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना हुआ? इस सॉन्ग को गाने के लिए हमें मतलब जैसे परसों हमारे पास ऑडियो आ चुका था, तो हमने कल दोपहर में इस सॉन्ग को प्रिपेयर करने में हमें 15 से 20 मिनट लगे थे, सिर्फ 15 to 20 minutes, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली 15 to 20 minutes, इज दिस अ मैजिक। आप लोग कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हो? तो यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लगा, पहली बार एक्सपीरियंस। हालांकि हम लोग कई बार हम लोग कॉम्पिटिशन में बाहर जा चुके हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट भी खेला हुआ है, हमने जोनल भी खेला हुआ लेवल, लेकिन हमने स्कूल में भी सारे जब प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे हम पहली बार आए हैं, तो थैंक यू। और क्योंकि म्यूज़िक जो है वो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो म्यूज़िक ना सुनता हो, कोई रेडियो पे, टीवी पे, अपने फ़ोन पे, अपनी गाड़ी में कहीं भी जाएगा म्यूज़िक सुनेगा, कोई काम करेगा आदमी आएगा थकेगा वो म्यूज़िक सुनेगा, उसको एक अलग ही एक फील होता है, अच्छा फील होता है उसे। Thank you Thank so you. much. That was wonderful. A big round of applause, please, everyone, for the lovely choir.